हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीसीएम ट्यूटोरियल्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज हम लोग जो फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो है इंटेग्रल कैलकुलस। सो बहुत इजीली मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। सो इंटेग्रल कैलकुलस स्टार्ट करने के लिए हम एक ग्राफ लेकर चलते हैं, ठीक है। ग्राफ में क्या होगा आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ आती हैं, तो हम लोग एक ग्राफ लेकर चलते हैं। जैसे कि मैंने ये एक्सिस बनाई, इसको मैं थोड़ा छोटा रखूँगा ग्राफ को, क्योंकि मुझे नीचे एक और ग्राफ चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने ग्राफ बनाया और मेरे पास एक कर्व दिया हुआ है, ऐसे कर्व दिया हुआ है कि जो वाई एक्सिस है वो एक्स के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। मेरे पास ये वाई है और ये एक एक्स है। और सबसे पहले आप मेन चीज़ ये समझ लेना कि जैसे यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर वाई है, जैसे जैसे एक्स की वैल्यू चेंज होती रहती है आपको पता है कि वाई भी चेंज हो रहा है। अब किसी को अगर इसमें डाउट है कैसे बदल रहा है, तो आप इस पर नोटिस करो कि सपोज़ मैं एक्स की इस वैल्यू पर चेक कर रहा हूँ, तो जब मैं इसको ऊपर की तरफ लेकर जाऊँगा, ये मैं यहाँ पर लेकर गया, तो मुझे एक पॉइंट मिला ऊपर। अब हमें ये देखना होता है कि जो एक्स का ये वाला पॉइंट है कितनी ऊँचाई पर है, ऊपर कितनी हाइट पर है। तो वो हाइट कौन बताता है? वो ये वाली हाइट वाई एक्सिस बताएगी ना। तो यही होती है हाइट और ये हमें वाई बताती है। अब अगर मैं इस एक्स से थोड़ा सा और आगे चला जाऊंगा, तो देखो वाई इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। सपोज़ मैं यहाँ पर चला गया, मैंने क्या किया इस एक्स से आगे चला गया, तो यहाँ पर नोटिस करो कि पहले वाई की हाइट ये थी, यानी कि इस पॉइंट की हाइट ये वाली थी। अब जो न्यू पॉइंट आया उसकी हाइट देखो बदल गई हाइट, इसका मतलब वाई भी चेंज हो रहा है एक्स के अकॉर्डिंग, और वो डिपेंड करता है आपके कर्व के ऊपर। अगर आपका कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है तो y की वैल्यू भी बढ़ती रहेगी, अगर आपका जो कर्व है वो नीचे की तरफ आ रहा है तो y की वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक है। आपको ग्राफ रीड करना आना चाहिए, आप ग्राफ को अच्छे से रीड करो तो आपको सब कुछ समझ आएगा। तो अब देखो, मैंने एक मेन चीज़ ये बतानी थी कि यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, और मोस्टली हम y को fx की फॉर्म में लिखते हैं। y जो है वो फंक्शन ऑफ x है, क्योंकि जैसे जैसे x बदल रहा है y भी बदल रहा है। मतलब y किस पर डिपेंड है? y डिपेंड करता है x के ऊपर। इसका मतलब y फंक्शन ऑफ x है, ठीक है। इसलिए मैं चाहे यहाँ पर चाहे y लिखूँ, चाहे मैं यहाँ पर fx लिखूँ, बात एक ही है यहाँ पर, ठीक है। इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना क्योंकि आगे काम आएगी। हम क्या कर रहे हैं आज, इंटेग्रल कैलकुलस सीखेंगे, ग्राफ के थ्रू कैसे इंटीग्रेशन आती है, ठीक है। जैसे हमने पहले डिफ्रेंशिएशन किया था, वैसे हम ग्राफ के थ्रू इसको समझेंगे और हम विजुलाइज करेंगे कि इंटीग्रेशन काम कैसे करती है, ठीक है। तो देखो, अब मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से लाइंस को। अब हम स्टार्ट करते हैं, जो मेन चीज़ है वो स्टार्ट करते हैं। जैसे मेरे पास एक कर्व था, ये मैंने कर्व बनाया, ये मेरे पास कर्व था, ये हो गई है एक्सिस। अब मैं क्या करता हूँ, इस कर्व पर दो पॉइंट लेकर चलता हूँ। सपोज़ कि ये पी पॉइंट है और ये मेरे पास एक क्यू पॉइंट है। पी एंड क्यू दो पॉइंट्स हैं। इस पॉइंट से मैंने क्या कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ की, वो भी एक्स एक्सिस की। तो मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये मैंने बना दी यहाँ पर। सेम यही चीज़ हम करेंगे क्यू पर, ये मैंने किया क्यू पर, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो चुकी है। अब आपको पता है कि ये लाइन हमें क्या बताएगी कि एक्स कितना आगे गया हुआ है। तो सपोज़ हम इसको क्या लेट कर सकते हैं, कोई पहले तो ए पॉइंट हम इसको बोल देते हैं कि एक ए पॉइंट है, और यहाँ तक का डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि ए है, ठीक है। मेरा जो कर्व बनना शुरू हुआ है ना, वो x की वैल्यू a से बनना शुरू हुआ है। हमने ये मान लिया कि मेरा जो p पॉइंट है वो x की वैल्यू a से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ तक जो मेरे पास डिस्टेंस है वो a है। सिमिलरली हम एक इस पॉइंट को भी मार्क देंगे, जो कि हमारे पास b पॉइंट हम मान लेते हैं, ठीक है। और ओरिजिन से ये पॉइंट कितना दूर होगा, हम इसको मान लेते हैं b, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ये मेरे पास हो गया b पॉइंट। अब आगे देखो होता है क्या इंटीग्रेशन में, कि जो कर्व जितना पार्ट मैंने लिया है, जितने मैंने एक लिमिट ले ली है कि मुझे पी से क्यू तक की इंटीग्रेशन निकालनी है, इस कर्व की इंटीग्रेशन निकालनी है। इंटीग्रेशन में क्या होता है कि उसके कर्व के जो नीचे का एरिया होता है ना, हमें वो निकालना होता है बेसिकली, कि ये एरिया है कितना। ये एरिया निकालते हैं इंटीग्रेशन से निकल जाता है। अब वो निकलेगा कैसे, अब बात यहाँ पर ये आती है कि इसमें अप्रॉक्सीमेशन थोड़ा सा लगता है, वो कैसे लगेगा। अब सपोज़ करो कि हम जो मेरे पास ये ग्राफ है ना, ये वाला, अब बात ये आती है इसका एरिया कैसे निकालें, ठीक है। अब अगर तो ये स्ट्रेट लाइन होती तो एक ट्रेपीजियम बन जाता, हम ट्रेपीजियम के हिसाब से सॉल्व कर लेते, लेकिन है क्या ये कि ये शेप ऐसी बन रही है, ये यहाँ से कर्व है ना। तो ये कर्व जो है, अब इसका फॉर्मूला कैसे लोगे आप, फॉर्मूला नहीं देख पाओगे इसका, तो वहाँ पर दिक्कत आएगी। हम इसको क्या करेंगे, छोटे छोटे ना इसमें स्ट्राइप्स बनाने शुरू करेंगे, छोटे छोटे स्ट्राइप्स,
पहले मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने स्ट्राइप बनाया, फिर मैंने आगे से स्ट्राइप बनाया, और ये जो स्ट्राइप्स की विड्थ होगी ना वो आपको सेम रखनी है। ये मैंने स्ट्राइप बनाया, ये मैं लगातार स्ट्राइप्स बना रहा हूँ। हमने क्या किया, कंप्लीट एरिया को डिवाइड करना शुरू कर दिया छोटे छोटे पार्ट्स में, ठीक है। थोड़ा सा इसमें इधर उधर हो गया है, पर आप समझ लो कि हमने क्या किया, स्ट्राइप्स बनाई है इसके अंदर, ठीक है। इसको थोड़ा सा ठीक कर देते हैं। ध्यान रखना इन स्ट्राइप्स की जो विड्थ होगी ना, जो चौड़ाई होगी इनकी, विड्थ होगी वो सेम रखनी है। सपोज़ मैं लेट कर लेता हूँ कि ये जो विड्थ होगी डेल्टा एक्स होगी। डेल्टा एक्स क्यों लिया, क्योंकि एक्स में थोड़ा 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 चेंज आ रहा है, तो हर एक में मैंने बोला कि डेल्टा एक्स चेंज आता जाएगा हर एक में। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने इसके बराबर डेल्टा एक्स माना हुआ है, तो ये हर एक में डेल्टा एक्स का ही चेंज है। आगे आपको समझ, तो मैंने एक बार यहाँ पर लिख दिया है, बस आगे आप ध्यान रखना कि हर एक में डेल्टा एक्स का चेंज है। अब देखो आगे, अब फिर बात वही आ जाती है कि हमने स्ट्राइप्स तो बना दी, ठीक है। ये देखो, पहले बड़ा एरिया निकालना था तो मैंने बोला कि छोटे छोटे पार्ट कर दो, सबको ऐड कर दो, तो मेरे पास उसका एरिया आ जाएगा। लेकिन दिक्कत तो अब भी वही है ना कि शेप तो अब भी वहाँ पर वही चल रही है, कर्व तो अभी भी बन रहा है उसके अंदर, फिर वहाँ पर क्या करोगे, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि चलो इसको भी हटाने की कोशिश करते हैं, हम क्या करेंगे यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और कोशिश ये करेंगे कि ये मेरे पास एक रेक्टेंगल बन जाए, ठीक है। उससे हो गया क्या, ऊपर छोटे छोटे ट्राइंगल्स बन जाएंगे। ये देखो मैंने यहाँ पर इसको ड्रॉ करना शुरू किया, ये मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, ये मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया। देखा जाए तो आपको वहाँ पर सबसे ज़्यादा नोटिस हो रहा होगा कि ट्राइंगल बन रही है वहाँ पर, ठीक है। अब देखो ये छोटे छोटे ट्राइंगल्स हैं, ये छोटे छोटे ट्राइंगल्स बन रहे हैं, अगर हम इनको थोड़ी देर के लिए भूल जाएँ तो हमारे पास क्या है, ये सभी क्या है, रेक्टेंगल्स है। मतलब जितने भी रेक्टेंगल्स बन रहे हैं उनके एरियाज लेंगे हम, प्लस करेंगे, तो इसका एरिया आने का चांस है, ठीक है। एरिया आने का चांस है, चांस क्यों है, क्योंकि इसमें ट्राइंगल्स ऐड नहीं हुए हैं अभी, मतलब कि वो थोड़ा थोड़ा पार्ट ना हर एक में रह चुका है, तो हमारे पास एक अप्रॉक्सीमेटी आंसर आ पाएगा। अब इसका एग्जांपल ऐसे लेकर चलते हैं, जो कंडीशन इस टाइम मेरे पास है ना वो ऐसी है कि सपोज़ मेरे पास ये कुछ बॉल्स है, मेरे पास एक ग्लास है, ठीक है। मैं इसको बॉल्स को इस ग्लास में डालता हूँ, तो मैंने इसको डाल दिया, जब इसको डाला तो इसमें कुछ स्पेस तो अभी भी खाली पड़ा है, उस स्पेस को तो नहीं हम भर पाए। हम क्या चाहते थे कि हम इसका पूरा एक सपोज़ कि वॉल्यूम निकाल रहे हैं, कि हम इसकी वॉल्यूम निकालना चाह रहे हैं। अब वॉल्यूम कंप्लीट तो आई नहीं, क्यों नहीं आई, क्योंकि इसमें कुछ स्पेस खाली पड़ा है। सेम यही केस यहाँ पर है कि हम निकालना तो पूरा चाह रहे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा स्पेस हर एक में बचा हुआ है, और वो थोड़ा थोड़ा स्पेस मिला के बहुत स्पेस हो जाता है, ठीक है। अब अगर मैं इसको हिलाने की कोशिश करूँ तो देखो इसमें बॉल्स हिल तो रही हैं, लेकिन बीच में हमें पता है कि यहाँ पर हर एक बॉल के बीच में एक स्पेस है, छोटा छोटा स्पेस है, ठीक है। अब सपोज़ कि मैं इसको और फिल कर देता हूँ, अब ये ग्लास तो देखो हमें लगेगा कि फिल्ड हो रहा है, हमारे हिसाब से जो ग्लास है वो हाफ फिल्ड है, ठीक है। हम बोल रहे हैं कि हाफ फिल्ड है, लेकिन आपको भी पता है मुझे भी पता है कि हर बॉल के बीच में देखो थोड़ा 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 स्पेस है। अब वो थोड़ा थोड़ा स्पेस मिला कर ना बहुत ज़्यादा स्पेस हो जाता है, हम उसको देखने में हमें छोटा लगता है, लेकिन अगर हम सभी स्पेसेस को जोड़ देना आपस में तो बहुत ज़्यादा स्पेस हो जाता है वो, तो वैल्यू प्रॉपरली आ नहीं पाती वहाँ से। तो अब इस चीज़ को ख़त्म कैसे करें, है ना, जो ट्राइंगल्स बने हैं बात आती है इसको ख़त्म कैसे करें। तो ख़त्म करने के लिए इसी चीज़ पर आते हैं, तो आप क्या कोशिश करोगे कि सपोज़ मेरे पास ये बॉल्स है, मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं इसको दबा दूँ अच्छे से, मैं दबाने की कोशिश करूँगा ताकि अंदर दब जाएँ और स्पेस कम से कम रहे, ठीक है, ताकि मेरी जो वेस्टेज है ना स्पेस की वो कम से कम हो। तो मैं इसको जितना दबा रहा हूँ, इसमें हो क्या रहा है कि सभी पास जा रहे हैं, बिल्कुल पास जा रहे हैं। जब पास जा रहे हैं तो उनके अंदर का स्पेस जो है ना कम होना शुरू हो गया। तो यही चीज़ हम अप्लाई करेंगे इसके अंदर। तो जब हम इसको सपोज़ किया प्रेशर लगा रहे हो, हम इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो सभी स्ट्राइप्स पास आ जाएंगी, ठीक है, और उसके अंदर हम और स्ट्राइप्स डाल सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसमें इन्फिनाइट बॉल्स डालने की कोशिश करूँ, सपोज़ कर लो कि मैं इसमें इन्फिनाइट बॉल्स डाल रहा हूँ और मैं इसको दबा दिया अच्छे से, ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब बिल्कुल नेग्लिजिबल मास रह जाएगा, ना के बराबर मास रह जाएगा। तो हमें वही कंडीशन चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो कंडीशन क्या है, हमने यहाँ पर कंडीशन क्या ली थी कि बॉल्स अनलिमिटेड आ जाएँ, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कोशिश करेंगे कि मेरे पास जो स्ट्राइप्स है ना वो अनलिमिटेड आ जाए, ताकि मेरा जो ऊपर ट्राइंगल की वेस्टेज हो रही है वो कम से कम स्पेस मेरा वेस्टेज हो। तो उसको करने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं, मैं आपको सिर्फ उसका एक ओवरव्यू देता हूँ, क्योंकि उसकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी नहीं हमें, उसकी ज़रूरत हमें सिर्फ इक्वेशन में पड़ेगी। ये मेरे पास ग्राफ है, ये मेरे पास कर्व था,
हमने इसको पी पॉइंट माना हुआ था, इसको माना हुआ था क्यू पॉइंट, ये नीचे की तरफ गया, ये नीचे की तरफ गया। स्ट्राइप्स पहले गिन लो कितनी थी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 स्ट्राइप्स थी। अब मैंने इनको और पास पास किया तो अभी स्ट्राइप्स बढ़ जाएंगी, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पर ले आया मैं इसको। उससे क्या हुआ कि ट्राइंगल्स का जो आपस में देखो, अब यहाँ पर आप नोटिस करो ये लगभग ना बिल्कुल हॉरिजॉन्टली हो गया है। यहाँ पर फर्स्ट वाले में ट्राइंगल बन रही थी, लेकिन जैसे ही मैं स्ट्राइप्स को पास लेकर आया तो यहाँ पर देखो ये ट्राइंगल्स ही नहीं बन रही, मतलब नियर अबाउट ये हॉरिजॉन्टली हो गया। ठीक है, इसमें देखो ये छोटी सी ट्राइंगल बनी है, बिल्कुल छोटी सी, है ना। तो अब मैं इसको फिर से बनाता हूँ, इसमें भी देखो बिल्कुल छोटी सी ट्राइंगल बनी है, फिर इसमें भी छोटी बनेगी, इसमें भी हर एक में जो वेस्टेज होगी ना स्पेस की वो कम से कम रहेगी, समझ पा रहे हो आप। ठीक है, स्ट्राइप्स अभी तो मैंने 8 से 10 किए हैं, अगर यहाँ पर 20 स्ट्राइप्स आ जाती, 20 स्ट्राइप्स आ जाती तो आप खुद ही सोचो कितना कम स्पेस हो जाएगा, और मोस्टली आपको ना हॉरिजॉन्टली मिलेंगी। अब 20 को छोड़ के आप सोच लो कि यहाँ पर मैंने 100 स्ट्राइप्स बना दी, अब 100 स्ट्राइप्स बनाओगे तो वो और नज़दीक आ जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल ही पास पास आ जाएंगे। तो देखो जितने पास पास आएंगे उतना ही हमारा फ़ायदा है, क्योंकि जैसे कि आपने ग्लास के एग्जांपल में भी देखा था कि जितना पास लेकर जाओगे उनको उतना ज़्यादा स्पेस कम होगा। ठीक है, तो जब मैं इनको और पास पास लेकर आया ना तो देखो इसमें क्या होगा, ट्राइंगल की वेस्टेज और कम हो जाएंगी जो ऊपर की तरफ ट्राइंगल्स बनती है। ठीक है, आप यहीं पर नोटिस कर लो ये छोटा हो गया ट्राइंगल अब। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट होगा वो और छोटा हो जाएगा, देख पा रहे हो। तो इसका आपको सिर्फ एक आइडिया लेना है कि अगर स्ट्राइप्स कम है तो वो तो हमारा सिर्फ फार्मूला निकालने में हेल्प करेंगे। ठीक है, जो कि हम अभी ग्राफिकली निकालेंगे, लेकिन एक्चुअल में करना क्या है, हमें इन स्ट्राइप्स को अनलिमिटेड सोचकर चलना है कि अनलिमिटेड स्ट्राइप्स हैं, तब जाकर क्या होगा कि ये वाली हमारे पास जो एरिया है हम प्रॉपरली निकाल पाएंगे। अब एक चीज़ और है देखने वाली इन्हीं के अंदर, कि जैसे मेरे पास स्ट्राइप्स पहले कम थी, ये मेरे पास स्ट्राइप्स नंबर ऑफ स्ट्राइप्स कम थी जो कि 8 थी, उनके बीच में गैप कितना था, डेल्टा एक्स का। ठीक है, अब यहाँ पर आप नोट करो कि सपोज़ यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि मेरा ए जो था यहाँ पर सपोज़ 2 पॉइंट पर था, मतलब यहाँ पर 2, 0 है। ठीक है, 2, 0 कोऑर्डिनेट है। अब मैंने ये बोला कि जैसे मैंने नेक्स्ट ट्राइप बनाई वो मैंने 0.5 के गैप पे बनाई, मतलब ये अगर 2 है तो ये 2.5 है, ये 3 है, 3.5 है, 4 है, 4.5 है, 4.5 है। ठीक है, मतलब हर एक का जो गैप था मैंने 0.5 का लिया था, और आपको पता है कि 0.5 गैप बहुत बड़ा ही, मतलब बड़ा ही माना जाता है कि 0.5 आधे का गैप हो चुका है उसके अंदर। अब जैसी स्ट्राइप्स नंबर ऑफ स्ट्राइप्स बढ़ेंगी, तो आप क्या सोचोगे, इसमें डेल्टा एक्स में तो कम ही हो रहा है ना, वो जो गैप था वो कम हो रहा है, मतलब कि अगर इस स्ट्राइप में मैं एक स्ट्राइप और डाल दूँ तो वो कितने का गैप हो जाएगा, 0.25 का, है ना। अगर पहले एक स्ट्राइप 0.5 गैप की थी, यानी कि डेल्टा एक्स मेरा 0.5 का था, अब इसमें सपोज़ कि मैंने 2 स्ट्राइप्स और डाल दी, मतलब मैंने नंबर ऑफ स्ट्राइप्स बढ़ा दी हैं, अब इस एक की जगह 3 स्ट्राइप आ गई हैं, समझ पा रहे हो ना आप प्रॉपरली, मतलब कि पहले 8 स्ट्राइप थी, अब मैंने इसको और पतला पतला करना शुरू कर दिया स्ट्राइप्स को, तो उस एक की जगह 3 जाने और आ गए। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर, यहीं पर आप नोट कर लो, ये 3 स्ट्राइप्स हैं, इस 3 स्ट्राइप के बराबर यहाँ पर एक स्ट्राइप है। ठीक है, तो अगर मैं इनको 3 में डिवाइड करूँ तो 0.5 को 3 से डिवाइड कर लो, 0.5/3, मतलब 3 के गैप में चला गया है, तो ये बनेगा 5/30, यानी कि 1/6, 1/6 का गैप हो गया है, और 1/6 कितना होता है, 0. हमारे पास कितना बनेगा है, 0.1 के आसपास हो जाएगा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.1। ठीक है, 0.1 ही होगा ना, 1/6 0.6 पे जाएगा तो 0.16 के आसपास हो जाएगा। ठीक है, तो 0.16, मतलब अब क्या हुआ कि आपका डेल्टा एक्स अप्रोच कर रहा है 0 की तरफ। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि डेल्टा एक्स पहले 0.5 था, इसको मैं आपको नंबर लाइन से भी दिखा देता हूँ कि ये मेरा एक 0 है, ये 1 है, यहाँ पर आपको पता है कि 0.5 आता है, लेकिन जैसे ही मैंने स्ट्राइप्स को कम किया तो मेरा जो ये वाला गैप है ये 0.16 का आ रहा है, मतलब कि मैं उस 0.5 से भी कम चला गया हूँ। इसका मतलब क्या है कि मेरी वैल्यू 0 की तरफ अप्रोच कर रही है। ठीक है, मेरी वैल्यू जो है 0 की तरफ अप्रोच कर रही है, तो इसका मतलब क्या है कि जितना मैं नंबर ऑफ स्ट्राइप्स को बढ़ाता जा रहा हूँ मेरा डेल्टा एक्स 0 की तरफ आता जा रहा है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना क्योंकि लिमिट बनाने में काम आएगा हमारे, ये सभी आप नोट कर लो। ठीक है, आगे हमारे काम आने वाले हैं। अब एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, अब सपोज कि आपको नहीं पता कि विड्थ की जो चौड़ाई है, यानी कि जो विड्थ की हमारे पास जो ये वाली स्ट्राइप्स है इसकी विड्थ क्या है, ये नहीं आप निकाल पा रहे हो, तो वो कैसे निकालोगे। देखो हमारे पास क्या है,
दोबारा से मैं ये एक कर्व लेकर चल रहा हूँ, ये मेरे पास कर्व है। सपोज़ करो कि यहाँ पर जो मेरे पास ये ग्राफ पर था ना, ये ओरिजिन था, ये वन पॉइंट है, और सपोज़ करो कि ये सिक्स पॉइंट है, मतलब ये वन पर है, ये सिक्स पर है, और आपने उसके अंदर स्ट्राइप्स बनाई पांच, वन टू थ्री फोर फाइव, आपने इसमें फाइव स्ट्राइप्स बना दी। अब आप ये नहीं देख पा रहे हो कि इन दोनों के, इन सब की जो विड्थ है वो कितनी है, आप विड्थ नहीं चेक कर पा रहे हो। तो विड्थ चेक कैसे करोगे? तो देखो, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, हमें निकालनी है विड्थ, यानी कि मुझे डेल्टा एक्स निकालना है कि ये जो गैप है ना, ये कितना कितना है। मैंने अपनी तरफ से तो मैंने बराबर बराबर गैप लगाए हैं सोच कर, देख कर, ठीक है, लेकिन मुझे उनकी प्रॉपर एक विड्थ नहीं पता है होती कितनी है। तो उसके लिए क्या करोगे आप क्या करोगे कि ये लेंथ देखोगे कि है कितनी है, ये लेंथ मुझे पता होनी चाहिए कितनी है। फिर हम क्या करेंगे, जितनी नंबर ऑफ स्ट्राइप्स है ना उसे डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ स्ट्राइप्स से डिवाइड कर देंगे, मतलब कि बी माइनस ए, बी पॉइंट माइनस ए पॉइंट, कि बी डिस्टेंस कितना है, ए कितना है। अब बी में से ए क्यों माइनस किया, आपके मन में ये भी बात आएगी। आपको क्या निकालना है, ये लेंथ आपको पता होनी चाहिए है ना, लेकिन डिस्टेंस तो हम ओरिजिन से ही नाप सकते हैं, डिस्टेंस तो ओरिजिन से ही मेजर होगा, तो मुझे पता होना चाहिए कि ये कितने गैप पर है, ये वन पर है, ये सिक्स पर है, ठीक है, वन और सिक्स पर है, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हुआ, माइनस करके निकालोगे ना, क्योंकि ये स्टार्ट वन से हुआ है, तो पाँच का गैप हो गया इसके अंदर। तो मैंने फॉर्मूला लिखा भी बी माइनस ए अपॉन में क्या आएगा, एन, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ स्ट्राइप्स, तो ऐसे निकलता है डेल्टा एक्स बी माइनस ए अपॉन एन। अब अगर मैं इसको यहाँ पर अप्लाई करूँ तो ये बनेगा सिक्स माइनस वन अपॉन फाइव स्ट्राइप्स, यानी कि वन आंसर आएगा मेरे पास। इसका मतलब यह है कि हर गैप जो है वो वन वन का है, तब मिलाकर वो फाइव हो जाएगा। तो ये भी एक फॉर्मूला है, इसको भी हम साइड में नोट कर लेते हैं, हमारे काम आएगा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एन, ठीक है। तो मेरे पास जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बता दी हैं, तो अब हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला निकालना, कि फॉर्मूला निकलेगा कैसे। इंटीग्रेशन में क्या है कि जो कर्व था मेरे पास पी पॉइंट से लेकर क्यू पॉइंट तक का, मैंने इंटीग्रेशन निकालना था कि यहाँ से लेकर मैं यहाँ तक जा रहा हूँ तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो उसके लिए हमने क्या बोला था कि हमें एरिया निकालना होता है, तो हम इसको नोट कर लेते हैं यहाँ पर कि एरिया पी क्यू बी ए, हमें पी क्यू बी ए का एरिया निकालना है। अब हमें पता है कि एरिया निकलेगा कैसे, जो स्मॉल स्मॉल मैंने स्ट्राइप्स बनाई हैं, जो रेक्टेंगुलर स्ट्राइप्स हैं, मुझे इनको ऐड करना है और नेगलेक्ट करने की कोशिश करनी है इन ट्राइंगल्स को, ये जो ऊपर छोटी छोटी ट्राइंगल्स बन रही हैं इनको मुझे नेगलेक्ट करना है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम क्या करेंगे कि जो रेक्टेंगल बीच में बन रही है ना, ये वाला, ये रेक्टेंगल बन रहा है, ये भी एक रेक्टेंगल बन रहा है, ये भी एक रेक्टेंगल है, ये भी, सभी रेक्टेंगल्स के एरियाज को प्लस करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ स्ट्राइप वन प्लस एरिया स्ट्राइप टू प्लस डैश 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 प्लस एरिया स्ट्राइप एन। मेरे पास अगर एन स्ट्राइप्स है तो लास्ट में nth स्ट्राइप का भी एरिया आ जाएगा। आगे देखो, फर्स्ट स्ट्राइप की बात करते हैं, ये मेरे पास है फर्स्ट स्ट्राइप, इसको मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। अब रेक्टेंगुलर स्ट्राइप है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ तो हमारे पास ये हो गई और ब्रेड्थ हमारे पास ये हो गई। ब्रेड्थ तो आप साफ साफ बता सकते हो कि डेल्टा एक्स है, हर एक की विड्थ डेल्टा एक्स है, तो ये विड्थ ब्रेड्थ तो मुझे पता है कि ये डेल्टा एक्स होगी। अब बात आती है लेंथ की, लेंथ कितनी है। अब देखो लेंथ क्या होगा, हर एक स्ट्राइप की लेंथ डिफरेंट होगी, सबकी विड्थ तो सेम है, ब्रेड्थ तो सबकी सेम है, लेकिन लेंथ डिफरेंट होगी। देखो इस स्ट्राइप की बात करती है, जो ये वाली स्ट्राइप है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लेंथ है। अब आपको पता है कि ये वाला पार्ट कौन बताएगा, वाई एक्सिस बताएगी, ठीक है, और वाई एक्सिस हमारे पास एक एग्जैक्ट आंसर तो है नहीं वाई का, लेकिन हमें ये पता है कि वाई जो है फंक्शन ऑफ एक्स है, हमें ये पता है कि वाई फंक्शन ऑफ एक्स है, मतलब यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू होगी ना, यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू होगी उसका फंक्शन होगा वाई, ठीक है। तो हमें क्या देखना है कि हमेशा मेरे जो वाई की वैल्यू होगी वो फंक्शन ऑफ एक्स होगी, कि एक्स की जो वैल्यू होगी यहाँ पर उसको डाल दो। तो इस पॉइंट पर देखो, अभी हम इस स्ट्राइप पर है, आपको फ्रंट फेस को देखना है, हर एक के इस तरफ से आप जा रहे हो ना, तो जो फेस आपके सामने आया उस स्ट्राइप का आपको उसके हिसाब से करना है। तो मैं इस स्ट्राइप पर हूँ इस टाइम पर, ठीक है, ये मेरे पास ये वाली स्ट्राइप है, इस पॉइंट पर एक्स कितना है, ए एक्स है, ठीक है, एक्स की वैल्यू ए है क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, एक्स की वैल्यू हो चुकी है ए, तो यहाँ पर ध्यान रखना आप। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई की वैल्यू फंक्शन ऑफ ए हो जाएगी, हमारे पास वाई भी आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि इस स्ट्राइप की जो लेंथ है वो है फंक्शन ऑफ ए। आई होप कि समझ पा रहे होगे, मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ अगर आपको कोई डाउट आ रहा है।
मैंने आपको बताया था कि ग्राफ मेरा एक्स जो है और एक वाई का ग्राफ है, वाई की वैल्यू एक्स के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, ठीक है, वाई की वैल्यू एक्स के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, इस कारण से वाई क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है, कि मैं एक्स कुछ भी मैं डालता रहूँ अपने फंक्शन में, एक्स की वैल्यू वाई उसी अकॉर्डिंग बदलता रहेगा, ठीक है, तो वाई फंक्शन ऑफ एक्स है। अब यहाँ पर मैंने नोट किया, स्ट्राइप के हमेशा फ्रंट फेस पर आपने देखना है, अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, ठीक है, उस आपने स्ट्राइप के फेस पर देखना है, जहाँ पर वहाँ पर आपने एक्स की वैल्यू चेक करनी है, ठीक है, इसका बात का बहुत ध्यान रखना। तो ये फ्रंट फेस है मेरे पास, जब मैं इधर से इधर जाऊँगा तो मेरे पास यहाँ पर जाकर, यहाँ पर जब मैं रुकता हूँ, यहाँ से मैंने स्टार्ट करना है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर है ए, ठीक है, एक्स की वैल्यू ए है, तो उस ए वैल्यू को मैंने एक्स के अंदर डाल दिया, तो वहाँ पर मुझे y की वैल्यू मिल चुकी है, कि y जो है ना आपका इस पॉइंट पर, ये वाला पॉइंट जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो ये वाली लेंथ है, ये लेंथ हमें y बताती है, तो ये लेंथ है कितनी, वो है f ऑफ a, समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। अगर अभी भी कोई डाउट है तो एग्जांपल मैं आपको लेकर देखता हूँ, कि हमने यहाँ पर सपोज y इज इक्वल टू x प्लस टू वैल्यू ली, ठीक है, और ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और मैंने आपको अभी बताया था कि यहाँ पर हमें साफ नोटिस हो रहा है कि y की वैल्यू x के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, मतलब y को हम यहाँ पर फंक्शन ऑफ x लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर x की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, ये तीन वैल्यूज़ लेकर चल रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, x की वैल्यू उठाऊँगा जो कि 1 वैल्यू है, वो मैं x की जगह पुट कर दूँगा, कि y जो है फंक्शन ऑफ 1 है इस टाइम पर जो y है वो फंक्शन ऑफ 1 है, तो जब मैंने 1 पुट किया तो 3 आंसर आ गया, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 1, 2, 3 यहाँ पर मैंने मार्क कर दिया कि मेरे पास पॉइंट है। फिर अब क्या हुआ, अब x चला गया 2 पर, ठीक है, तो अब मैं क्या बोलूँगा कि अब जो y है वो 2 का फंक्शन है, f ऑफ 2 का फंक्शन है, तो f ऑफ 2 यानी कि मैं यहाँ पर 2 पुट कर दूँगा x की जगह, तो मेरे पास 4 आंसर आ जाएगा, तो नेक्स्ट वाले में 4 चला गया। सेम यही केस नेक्स्ट में होगा, कि जब अब वैल्यू x की वैल्यू 3 पर जाएगी, ठीक है, x की वैल्यू 3 पर जाएगी, तो अब y क्या होगा, फंक्शन ऑफ 3 होगा, तो हम 3 की वैल्यू x की जगह पुट कर देंगे, तो 5 आंसर आ जाएगा, तो मेरे पास ये ऐसे एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, ठीक है, समझ पा रहे हो। सेम यही केस यहाँ पर है, कि जो हमारे पास y है वो फंक्शन ऑफ x है, x की वैल्यू देखो वहाँ पर क्या है, उसको f में पुट कर दो, बस ये है कि कंडीशन ये है कि हमारे पास इक्वेशन नहीं है बस, ठीक है, तो इक्वेशन को मत यूज़ करो, आप वहाँ पर सिर्फ वही चीज़ लिख दो कि y मेरा यहाँ पर फंक्शन ऑफ a है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने रेक्टेंगुलर स्ट्राइप की विड्थ लिख दी है, जो कि ब्रेड्थ है, वो मैंने आपको बताया कि डेल्टा एक्स है, तो मैंने यहाँ पर लिखा कि ये है डेल्टा एक्स, जो कि ब्रेड्थ है, लेंथ क्या होगी, फंक्शन ऑफ ए, बस अब हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ स्ट्राइप वन जो कि है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ मेरे पास है फंक्शन ऑफ ए डॉट ब्रेड्थ, ये लिखा गया हमारे पास फर्स्ट वाली स्ट्राइप का। अब सेकेंड स्ट्राइप का लेकर चलते हैं, सेकेंड स्ट्राइप ये रही, सेकेंड स्ट्राइप में ध्यान रखने वाली बात ये है कि जैसे मैं सेकेंड स्ट्राइप पर आया, मैं इस स्ट्राइप पर हूँ, तो मुझे इसके ये फर्स्ट लाइन पर देखना है, मैं इस तरफ से जा रहा हूँ तो फर्स्ट लाइन पर देखना है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देखो कि हमारे पास x की वैल्यू क्या है, a तो ये रहा, a डिस्टेंस चले, डेल्टा x और आगे चले, ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, a प्लस डेल्टा x, ठीक है। स्ट्राइप मेरी ये है, तो इसकी ब्रेड्थ क्या होगी, ये तो डेल्टा एक्स ही है, हर एक स्ट्राइप की जो ब्रेड्थ है वो डेल्टा एक्स है, तो ब्रेड्थ तो मैंने लिख ली कि डेल्टा एक्स है, बात यहाँ पर लेंथ की है, लेंथ ही कन्फ्यूज़ करती है हमेशा, ठीक है। अब आपको ये पता है कि जो लेंथ वाई है वो फंक्शन ऑफ एक्स है, फंक्शन ऑफ एक्स है, मैंने एक्स की वैल्यू ऑलरेडी निकाल ली है, बस यहाँ पर आप क्या लिखोगे, फंक्शन ऑफ ए प्लस डेल्टा एक्स, जो कि एक्स की वैल्यू है, बस अब आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पर लिखना है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फंक्शन ऑफ ए प्लस डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा एक्स, ठीक है। बस अब यही चीज़ आपको अच्छे से समझनी थी, नेक्स्ट वाला और इजी होता रहेगा। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्ट्राइप लेकर चलनी है, मैं इसको यहाँ से रब कर देता हूँ। अब बारी आई नेक्स्ट स्ट्राइप की, इसमें भी सेम वही केस करना है आपने, कि इधर से जब मैं चलता आ रहा हूँ तो मेरे पास फर्स्ट लाइन ये आ रही है सामने, ठीक है, ये मेरे पास फर्स्ट लाइन सामने आ रही है, तो यहाँ पर जाकर यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, अब डेल्टा x ये था, डेल्टा x ये था, a प्लस डेल्टा x प्लस डेल्टा x, a प्लस टू डेल्टा x हो गया, मतलब इसमें एक डेल्टा x और जुड़ चुका है, तो a x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस टू डेल्टा x, ये आ गई x की वैल्यू। अब हमें पता है कि y क्या है, फंक्शन ऑफ x है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी,
फंक्शन ऑफ ए प्लस टू डेल्टा एक्स, ठीक है। फिर वही बात है कि इस ट्राइप की जो ब्रेथ है, इस ट्राइप की जो ब्रेथ है वो है डेल्टा एक्स, और रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ब्रेथ तो मेरे पास है डेल्टा एक्स, लेंथ क्या है, फंक्शन ऑफ ए प्लस टू एक्स, टू डेल्टा एक्स। तो ये मेरे पास आ गया थर्ड स्ट्राइप का एरिया। तो मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर लिख देता हूँ कि एफ ऑफ ए प्लस टू डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा एक्स। तो बस अब आपको ये करते जाना है और ये होता जाएगा। हम सिर्फ यहीं पर इसको छोड़ रहे हैं, आगे हम इसका लगाएंगे डैश डैश डैश, और लास्ट में क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा एक्स। अब आप में से काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे कि एन माइनस वन क्यों आया, ठीक है, सोच रहे हो ना ये चीज़। ये देखो एन माइनस वन क्यों आया, अब आपको ये पता है कि एन नंबर ऑफ एन स्ट्राइप्स है। जब आप थर्ड स्ट्राइप पे थे, जब आप थर्ड स्ट्राइप को सॉल्व कर रहे थे, हम ये थे थर्ड स्ट्राइप पर, सॉल्व तो आप थर्ड स्ट्राइप कर रहे थे, और नंबर ऑफ स्ट्राइप्स कितनी है, कैपिटल एन, नंबर ऑफ स्ट्राइप्स कितनी है, कैपिटल एन, ठीक है। आप थर्ड स्ट्राइप को जब सॉल्व कर रहे थे तो वहाँ पर डेल्टा एक्स के साथ क्या था, टू था, ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, स्ट्राइप तो ले रहे हैं लेकिन हम फ्रंट फेस ले रहे हैं उसमें, तो फ्रंट फेस एक स्टेप बैक चल रहा है, ठीक है। तो जब हम सेकंड टर्म पे थे, जब मैं सेकंड स्ट्राइप पे था तो वहाँ पर आया था डेल्टा एक्स, मतलब आगे वन लगा होगा, ठीक है। जब मैं थर्ड स्ट्राइप पर आया तो यहाँ पर आया टू डेल्टा एक्स, जब मैं फोर्थ पर जाऊँगा तो आगे आएगा थ्री डेल्टा एक्स, मतलब एक कम हो रहा है। तो लास्ट में जब हम nth स्ट्राइप पर जाएंगे ना, जो आखिरी स्ट्राइप होगी nth वाली, वो क्या होगा, n माइनस वन होगा वहाँ पर, ठीक है। अब तो क्लियर हो गया होगा कि n माइनस वन क्यों आया। सो ये भी हो गया हमारे पास। अब इसको हम थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा समेशन, ठीक है। सबसे पहले एक काम करो कि इनमें से देखो कॉमन क्या आ रहा है, डेल्टा एक्स हर एक के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो डेल्टा एक्स को मैंने निकाल दिया बाहर, डेल्टा एक्स सब में से बाहर आ गया। तो यहाँ पर देखो क्या बचेगा, पहले वाले में क्या बचेगा, फंक्शन ऑफ ए प्लस डेल्टा एक्स तो बाहर चला गया, यहाँ पर क्या बचेगा, फंक्शन ऑफ ए प्लस डेल्टा एक्स प्लस ये भी बाहर चला गया, देन आएगा एफ ऑफ ए प्लस टू डेल्टा एक्स, ठीक है। डेल्टा एक्स जो डॉट में डेल्टा एक्स है वो इसका भी बाहर चला गया, प्लस अब मैं इसको हटा दूँ यहाँ से, या चलो काम आ सकता है हमारे, हम इसको ऐसे कर देते हैं, प्लस डैश 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 एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन डेल्टा एक्स, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट हमारी बंद हो जाती है। तो आई होप कि समझ गए होगे यहाँ तक आप। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा समेशन की फॉर्म में लिखूँ, तो समेशन की फॉर्म में ऐसे आएगा कि डेल्टा एक्स तो चलो यहाँ पर मल्टीप्लाई में पढ़ा ही है, ये तो ऐसे ही पढ़ा है, फिर हम लिखते हैं यहाँ पर समेशन, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कैसे कैसे ये बदल रहा है, ठीक है, वो लिखेंगे। एफ ऑफ एक्स आई लिख दिया मैंने, एफ ऑफ एक्स आई, और चलो ये डेल्टा एक्स भी मैं लास्ट में लगा देता हूँ कि डेल्टा एक्स ऐसे मल्टीप्लाई होता रहेगा। अब ये एक्स आई क्या है, पहले तो मैं बता दूँ कि एक्स आई क्या हो रहा है, ये है स्ट्राइप्स जो है ना एक्स आई, यानी कि एक्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जा रही है फंक्शन उसका वैसे ही बदलता जा रहा है। तो फंक्शन की ये सभी फंक्शन ही तो है ना, ये फंक्शन ही तो है, यानी कि वाई की वैल्यूज प्लस हो रही है। डेल्टा एक्स तो सब में से कॉमन होकर बाहर आ गया, ये वाई की वैल्यू है फर्स्ट स्ट्राइप की, ये वाई की वैल्यू है सेकेंड स्ट्राइप की, ये वाई की वैल्यू थर्ड स्ट्राइप की, यानी हर एक की लेंथ से प्लस हो रही है। तो लेंथ से ये प्लस हो रही है, तो हमने क्या किया, हमने बोला कि है तो ये फंक्शन ऑफ एक्स ही है, ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स है, बस वो स्ट्राइप्स जो जैसे जैसे मेरा एक्स बढ़ता जा रहा है, वो स्ट्राइप्स की जो स्ट्राइप्स की लेंथ है ना वो बढ़ती जा रही है। तो मैंने यहाँ पर आई लगा दिया कि मेरा एक्स चेंज हो रहा है। अब हम ये बताएंगे कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है। एक्स की वैल्यू आई इज इक्वल टू वन से लेकर फर्स्ट स्ट्राइप से लेकर एन स्ट्राइप्स तक जा रहा है, तो आई इज इक्वल टू वन से लेकर एन तक जा रहा है। समझ गए होगे इजीली आई थिंक कि मैंने इसको कैसे शो किया है, ठीक है। तो इसको शो करते हैं ऐसे, एक्स आई की वैल्यू है वो कैसे कैसे चेंज हो रही है। एक्स आई क्या है यहाँ पर, ये एक्स आई की वैल्यू ए है, ठीक है, और उसके बाद क्या आएगी, ए प्लस डेल्टा एक्स आएगी, उसके बाद क्या आ सकती है, ए प्लस टू डेल्टा एक्स आ सकता है, यानी कि हर एक वैल्यू जो है ना ये एक्स आई का काम कर रही है यहाँ पर। तो मेरा ये एक्स आई चेंज होता जा रहा है, कैसे कैसे चेंज होता जाएगा, जैसे जैसे मेरी आई की वैल्यू वन से लेकर एन तक जा रही है। अगर आपको इसमें थोड़ा सा डाउट है ना, तो आप दोबारा से देख लो, आई क्या है, आई से लेकर एन तक है, ये नंबर ऑफ स्ट्राइप्स होगी। तो जब मैं फर्स्ट स्ट्राइप पर हूँ तो वहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या थी, ए थी, जब सेकंड स्ट्राइप पर था तो वहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या आई थी, ए प्लस डेल्टा एक्स आई थी,
थर्ड स्ट्राइप में क्या आई थी, ए प्लस टू डेल्टा एक्स आई थी, मतलब मेरा एक्स जैसे जैसे बदल रहा है ना तो फंक्शन ऑफ जो भी वो वैल्यू है वो साथ साथ बदलती जा रही है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने ये बोल दिया कि एक्स आई की वैल्यू बदलने पर मेरा एफ एक्स चेंज हो रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर उसको लिख दिया और डॉट डेल्टा एक्स तो वैसे ही मल्टीप्लाई होता ही जा रहा है हर एक के साथ, वो वैसे ही कॉमन होकर बाहर आ गया। अब देखो दो हमारे पास परस्पेक्टिव है इस चीज़ को देखने के लिए। अब आप दो तरह से इस चीज़ को देख सकते हो कि या तो मैं बोलूँ कि नंबर ऑफ स्ट्राइप्स को इन्फिनिटी कर दो, या मैं बोलूँ कि डेल्टा एक्स को जीरो की तरफ ले आओ। समझ पा रहे हो, बात तो एक ही है दोनों में, लेकिन हम दो तरह से देख रहे हैं उसको। वो कैसे कि या तो मैंने बोला कि नंबर ऑफ स्ट्राइप्स को इन्फिनिटी कर दो, एन को इन्फिनिटी कर दिया, ठीक है, एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, या हम क्या बोलेंगे कि मेरा डेल्टा एक्स जीरो की तरफ आ जाए। डेल्टा एक्स जीरो की तरफ आना मतलब कि ये डिस्टेंस जो है ना बीच में, ये बहुत कम हो जाना, इसका कम होना और नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ना दोनों की बात एक ही है। मैंने नंबर ऑफ स्टेप्स को इन्फिनिटी करने की कोशिश की तो देखो ऑटोमेटिकली डेल्टा एक्स मेरा कम हो गया। ये डेल्टा एक्स, पहले डेल्टा एक्स काफ़ी बड़ा था, अब ऑटोमेटिकली कम हो चुका है, तो मतलब ये जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है। अगर स्ट्राइप्स और बढ़ जाएंगे ना तो बिल्कुल ही जीरो के पास चला जाएगा, 0.000 करके आंसर आएगा हमारे पास, तो वेस्टेज उसमें और कम हो जाएगी। तो उसको लिखना कैसे है लिमिट की फॉर्म में वो देखो। अब ये फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई होगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा लिमिट जो मेरा डेल्टा एक्स है वो जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है, ठीक है। डेल्टा एक्स मेरा जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है, मैंने इसको ऐसे लिख दिया। फिर उसके बाद मेरा फॉर्मूला नॉर्मली चलेगा, हम इसको ऐसे लिखेंगे कि समेशन आई की वैल्यू 1 से लेकर एन तक एफ ऑफ एक्स आई डॉट डेल्टा एक्स। अब यहाँ पर क्या हुआ ना कि मेरा फॉर्मूला एक कम्प्लीट हो चुका है जिसमें नंबर ऑफ स्ट्राइप्स इन्फिनिटी की तरफ जा रही हैं, या फिर आप बोल लो कि डेल्टा एक्स मेरा जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ पर ऐसे होगा। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एरिया जो भी हमारे पास था पी क्यू बी ए, तो ये हमने एरिया निकाल दिया। अब मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिखते हैं, मैथमेटिकली हम लिखते हैं इसको ऐसे कि मैंने यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन लगाया, यहाँ पर मैंने लिखी लिमिट कि ए से लेकर बी तक मेरी लिमिट है, मतलब मैं सिर्फ ए से लेकर बी तक का ही सॉल्व करने जा रहा हूँ, वहाँ तक का इंटीग्रेशन करूँगा, तो यहाँ पर आएगा एफ एक्स डॉट डी एक्स। अब आप बोलोगे कि एफ एक्स डॉट डी एक्स क्यों आ गया, यहाँ पर तो डेल्टा एक्स था। अब अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोज़ देखी होंगी उसमें मैंने आपको ये बताया था कि डेल्टा एक्स थोड़े बड़े चेंज के लिए होता है, अब अगर आप उसको चेंज को छोटा कर दोगे तो वो डी एक्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर देखो लिमिट और ये है ना, ये दोनों मिलकर आपका ये बना देंगे dx, क्योंकि लिमिट बता रही है कि मेरा डेल्टा x जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है, मतलब वो छोटा होता जा रहा है, और डेल्टा x मेरा छोटा हो जाएगा तो वो dx में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। समेशन वाला काम किसने कर दिया, इंटीग्रेशन के साइन ने कर दिया, साथ में हमने इसकी लिमिट लगा दी कि a से b तक मेरी लिमिट है, तो यहाँ पर हमारा काम खत्म हो गया, ठीक है। हमने यहाँ पर इसको ऐसे लिख दिया, तो ये लिखा जाता है मैथमेटिकली, यहाँ पर हमने लिखा एरिया पी क्यू बी ए। तो ये था आपका इंटीग्रल कैलकुलस कि कैसे हम इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं ग्राफिकली, उसका क्या मीनिंग है। तो मैंने आपको थोड़ा इजी वे में बताने की कोशिश की है, आई होप कि आप समझ पाए होंगे, ठीक है। अगर आपको कोई और डाउट आता है तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, जैसे कि इसमें मेरे पास ये कर्व थोड़ा सा ऐसे स्टीप हो रहा था ना ऊपर की तरफ, एकदम से चढ़ रहा था ग्राफ मेरा, अब हम इसको स्ट्रेट लाइन को करके देखेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है, और उसमें एक ट्रेपेज़ियम बनेगा, उसका हम निकाल कर देखेंगे कैसे आंसर आएगा। अभी मैं आपको इस वीडियो में नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा काम हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको करेंगे। सो आई होप कि आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।